अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर साइंस पे। सेकंड लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया था और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। टू टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका इंस्टॉल होना कंप्यूटर पर ज़रूरी है, कंप्यूटर की या आपके सिस्टम की वर्किंग के लिए ज़रूरी है। Those are compulsory, mandatory softwares. और application softwares वो हैं जो optional हैं, जिनका install होना computer की basic working के लिए ज़रूरी नहीं है। ये हमने बात पहले discuss कर ली। आज हम इंशाल्लाह system software की कुछ types हैं जो discuss करेंगे। पहले ये एक paragraph है आपके सामने, मैं read कर देता हूँ इसको। System software is a collection of programs which makes the use of computer easy and efficient. तो definitely system software install नहीं है अगर आपके computer पर। इसकी एक example आपका आपकी window है, जैसे ये window 7, 8, 10 जो आप install करते हैं, this is basically category of system software. अब window install ना हो तो आप अपने computer को use नहीं कर सकते, और या इस तरह कह लें कि अगर window install है but properly working order में नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को मे बी यूज़ तो कर लें लेकिन आसानी से और एफिशिएंट वे में यूज़ नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मेक्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इजी एंड एफिशिएंट। हाईली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन डिवेलप करता है जी? हाईली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं जो इनको डिवेलप करते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामर सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करते। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फोर टाइप्स हैं आपकी बुक में सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, थर्ड टाइप इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड फोर्थ टाइप इज लैंग्वेज प्रोसेसर्स। जी, फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे पहले तो कुछ इसकी जो कंसेप्चुअल डिस्कशन है उसको हम देखेंगे, देन फिर हम इंशाल्लाह बुक से इसको रीड करेंगे, इस कंप्लीट पैराग्राफ को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड है, दिस इज़ टेक्निकल टर्म डेट इज़ यूज फॉर विंडोज़, यानी जिस सॉफ्टवेयर को आप विंडोज़ कहते हैं ना, नॉन टेक्निकल वे में, नॉन टेक्निकली जिसको आप विंडोज़ कॉल करते हैं, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, जिसका इंस्टॉल होना डेफिनेटली कंप्यूटर पर ज़रूरी है, तो उस सॉफ्टवेयर को, विंडोज़ को टेक्निकल वे में, टेक्निकल टर्म जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं, डेट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाई दिस विंडोज़ इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? वेरी सिंपल, यानी ये विंडो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल पर फोकस कीजिएगा, जैसे गाड़ी है ना आपके पास, गाड़ी में एक तो इंजन होता है, अच्छा एक उसमें हमारे पास गाड़ी में उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है बच्चे, जिसके ज़रिए हम गाड़ी को ऑपरेट करते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंजन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है गाड़ी के अंदर वो स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, ब्रेक, क्लच, रेस, पैडल्स, ये है सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस रियल लाइफ एग्जाम्पल में ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, गाड़ी में अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ना हो, स्टेयरिंग व्हील ना हो, गियर लीवर ना हो, या ब्रेक पैडल, क्लच पैडल ना हो, मीन ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ना हो या पार्शली इंस्टॉल्ड हो, कुछ इंस्टॉल्ड हो, कुछ चीज़ें इंस्टॉल्ड ना हो, तो डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हर सिस्टम का हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हम उस डिवाइस को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। तो बिल्कुल जैसे गाड़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, गियर लीवर, ब्रेक पैडल, रेस पैडल, आपका क्लच पैडल, इसी तरह हमारे कंप्यूटर का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डैट इज़ विंडोज़, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। अच्छा एक बात, सेकंड थिंग इज़ डैट कि अगर वो विंडो इंस्टॉल्ड ना हो, पहली बात तो ये होगी कि आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे अगर विंडो इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, आप म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप कोई फाइल ओपन नहीं कर सकते,
ये म्यूजिक प्ले करना, फाइल ओपन करना, तो बाद की बात, आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते जनाब। डेफिनेटली ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, विंडोज इंस्टॉल नहीं है अगर, तो आप अपने कंप्यूटर से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरफेस है, आप और आपके हार्डवेयर के दरमियान एक जरिया है, जिसके जरिए एक वास्ता है जिसके जरिए आप अपने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के। हमने क्या कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को हम कह रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्निकल टर्म है जो विंडोज़ के लिए यूज़ की जाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि मोबाइल्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जी। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा, एंड्रॉयड डिवाइसेस जितनी हैं, ये सैमसंग, हवावे, जितने भी मोबाइल्स हैं जिनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, डैट इज़ आल्सो योर इंटरफेस। अब आपके मोबाइल में वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो तो आप अपने मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते, मीन कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिस इज़ टेक्निकल टर्म यूज फॉर विंडोज़। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपने डिवाइस को ऑपरेट करते, एक बात। फिर सेकंड थिंग इज़ डैट कि ये इंटरफेस है जिसके ज़रिए आप अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते। अच्छा, अब कुछ बातें ज़रा समझिएगा जो आपको पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये दिस इज़ वाइट बोर्ड, ऑनलाइन वाइट बोर्ड है जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये यहाँ से एक पेन ले लेती हैं कोई अच्छा सा, ठीक है। नाउ देखें, सपोज डैट इट इज़ योर रैम। रैम क्या होती है? रैम हमारा वर्किंग एरिया है, रैम इज़ वर्किंग एरिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम बोलते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से डैट इट इज़ मेमोरी, इट इज़ द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, वो पता होने चाहिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने से पहले। अच्छा, सपोज डैट यहाँ पे आपके पास है हार्ड डिस्क, इट इज़ योर हार्ट। हार्ड को इन शॉर्ट हम बोलते हैं HDD, ये एब्रीविएशन है हार्ड डिस्क का। और ये आपको पता है कि हार्ड डिस्क में आपकी तमाम फाइल्स, सॉन्ग्स, ईच एंड एवरीथिंग परमानेंटली स्टोर होते हैं, इट इज़ परमानेंट स्टोरेज एरिया। तो ये जनाब आपके पास, अज्यूम डैट के हार्ड डिस्क में आपके पास डिफरेंट मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह स्टोर हैं। वजह से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इससे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को समझने में मदद मिलेगी। हार्ड डिस्क में डिफरेंट सॉन्ग्स हैं। अच्छा, यहाँ से कलर चेंज कर लें अगर हम। अच्छा, तो अब यहाँ पे है आपके पास बच्चे CPU, हेयर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसने सिंपली आप कह लें कि ये प्रोसेसर है आपका जिसने उन सॉन्ग्स को प्ले करने, ठीक है। अब सिचुएशन ये है, मैं इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ऐड करूंगा इंशाल्लाह, अभी देखिएगा। सिचुएशन इज डैट कि आप जब किसी सॉन्ग पे डबल क्लिक करते हैं ना, लेट्स से ये सॉन्ग पे आपने डबल क्लिक किया, तो उस सॉन्ग का प्ले होने से पहले उसका रैम में लोड होना ज़रूरी है। ये बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, उस सॉन्ग के प्ले होने से पहले उसका रैम में क्या होना ज़रूरी है? लोड होना ज़रूरी है, क्योंकि रैम जो है ना बच्चे, इट इज़ योर वर्किंग एरिया, यूर मीन इट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ CPU। CPU उस फाइल पे को एग्जीक्यूट करता है जो उसकी मेमोरी में लोड होती है, रैम में लोड होती है। तो इस फाइल का रैम में लोड होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कॉलेज में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ। सपोज डैट कॉलेज में जो है ना हमारे पास क्लासेस हैं, एक क्लास रूम है, डैट इज़ योर वर्किंग एरिया, डैट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ टीचर। ये आप यहाँ पे सपोज कर लें कि टीचर हैं, टीचर को हम CPU कह देते हैं। अज्यूम डैट कि टीचर हमारा रियल इन्वायरमेंट में CPU है। ओके, ये टीचर, ठीक है, इट इज़ CPU। और ये जो इट इज़ क्लास रूम, क्लास रूम को हम रियल इन्वायरमेंट में मेमरी कह देते हैं। ज़रा तवज्जो से बात सुननी है आप, और आप इंशाल्लाह साथ इसको पिक करेंगे। और लेट से ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, बाहर बैठे हैं लॉन में, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो बाहर लॉन में बैठे हैं। उस लॉन में, उस एरिया को हम कह देते हैं, फर्जी तौर पे हम उसको हार्ड डिस्क कह देते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हैं या तमाम क्लासेस बैठी हैं, लेट से ये
नाइन्थ क्लास सारी की सारी इसको हम एक एप्लीकेशन कह देते हैं, टेंथ क्लास इट इज सेकंड एप्लीकेशन। तो ये तमाम क्लासेस कहाँ बैठी हैं जी? लॉन में बैठी हैं। अच्छा, अब किसी भी क्लास को रन करने के लिए, मीन उसको पढ़ाने के लिए, डेफिनेटली एक टीचर है उस क्लास को पढ़ाना चाह रहा है, तो बच्चे उस क्लास का कहाँ पे आना जरूरी है? कहाँ पे आना जरूरी है? क्लास रूम, डेफिनेटली। तो जिस तरह एक क्लास का क्लास रूम में आना जरूरी है, क्योंकि क्लास रूम इज द वर्किंग एरिया ऑफ टीचर, टीचर तब तक आपकी उस क्लास को नहीं पढ़ाएगा जब तक वो क्लास क्लास रूम में नहीं आएगी। दैट क्लास, वो होल क्लास जो है वो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है? बिल्कुल वैसे जैसे ये सॉन्ग हमारी एप्लीकेशन है। ये रिलेट करें जरा, इन दो एग्जांपल्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करें। शाबाश। तो हमारे पास जो क्लास है, सॉरी ये इसको रेज कर लें, जो क्लास है हमारे पास नाइन्थ क्लास लेट से, उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारी एप्लीकेशन है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में कोई सॉन्ग हमारी एप्लीकेशन है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने कहा कि जो टीचर है, डेट इज लेट से प्रोसेसर, ओके, टीचर को हमने प्रोसेसर से रिलेट कर दिया। अच्छा, रूम को हमने मेमोरी से रिलेट कर दिया, रूम हमारी मेमोरी है। तो बिल्कुल जैसे रियल एनवायरनमेंट में किसी क्लास का पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ना चाह रही है, उस क्लास का, पूरी क्लास का क्लासरूम में आना ज़रूरी है, इसी तरह किसी भी एप्लीकेशन के रन होने के लिए उसका मेमोरी में आना ज़रूरी है, उसमें लोड होना ज़रूरी है। वो मेमोरी में लोड होगी, देन सीपीयू फिर उस पर वर्क करेगा, देन सीपीयू सॉन्ग को प्ले करेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लास पहले रूम में आएगी, देन टीचर उस क्लास को टीच करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चे, आपको क्लासरूम कौन एलोकेट करता है? आप अपनी मर्जी से तो किसी क्लास में नहीं जाके बैठ सकते ना, आपको कोई तो है कॉलेज में जो क्लासरूम एलोकेट कर रहे हैं, कोई तो है जो आपको टीचर एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कौन है? वो प्रिंसिपल, लेट से मैनेजर, आपके कॉलेज का जो मैनेजर है वो ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है? वो मैनेजर, वो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो भी है आपके क्लास कॉलेज का मैनेजर, वो मैनेजर आपको रूम एलोकेट करेगा, ओके, वो मैनेजर आपको टीचर एलोकेट करेगा। तो इसी तरह अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में हमारा वो मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ विंडो। तो ये बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है क्या? आपके सॉन्ग को रैम में लोड करवाना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इस सॉन्ग को सीपीयू एलोकेट करवाना, सीपीयू लेके देना, ताकि ये सॉन्ग आपका प्ले हो सके। ले रही है बात? ये एग्जांपल होप सो आपको समझ आई होगी। तो जैसे कॉलेज में मैनेजर का एक रोल होता है मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना। बेसिकली देखें ना, क्लासरूम एक रिसोर्स है, ओके, टीचर एक रिसोर्स है, तो ये रिसोर्सेज कौन देगा आप लोगों को? मैनेजर। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में रैम एक रिसोर्स है, सीपीयू एक रिसोर्स है, ये रिसोर्सेज कौन लेके देगा आपके उस सॉन्ग को ताकि वो सॉन्ग रन हो सके? इसका आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? रिसोर्सेज लेके देना, आपके प्रोग्राम्स को लोड करवाना, और जब वो प्रोग्राम रन हो जाए तो उसको अनलोड करना, यानी मेमोरी से निकालना, ये सारा काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर का क्या है? मैनेजर है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बुक से स्टार्ट लेते हैं, फिर जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। तो जी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सिस्टम के लिए ज़रूरी है। डेट इज रिस्पॉन्सिबल, इस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, जो भी हमने बात की, ये मैनेज करेगा आपके कंप्यूटर के सारे इन्वायरमेंट को मैनेज करेगा, तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा, सीपीयू को मैनेज करेगा, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। यानी आपका कंप्यूटर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है, उन तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बताना कि कौन सी एक्टिविटी पहले होनी है, कौन सी बाद में होनी है, और उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब मैंने अभी बताया कि उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज लेके देना। जैसे सॉन्ग के प्ले होने के लिए हमने बात की
सॉन्ग के प्ले होने के लिए सॉन्ग को क्या चाहिए, रूम चाहिए, रैम चाहिए, मेमोरी चाहिए। तो सॉन्ग को मेमोरी कौन लेके देगा, मीन सॉन्ग को मेमोरी में कौन लोड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉन्ग को रन होने के लिए सीपीयू चाहिए, तो ये सीपीयू इसको कौन लेके देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, ये सारा काम आपकी विंडो कर रही होती है। ठीक है, नाउ इसके बाद देखें जी, इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, यानी आपकी जो विंडो है ये आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, इन विच द यूजर कैन इंटरेक्ट, जिसमें आपका यूजर, आप यानी एज अ यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द कंप्यूटर हार्डवेयर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आप, अब देखें आप अपने कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट उसको कमांड नहीं दे सकते। सपोज डैट आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है और आपने किसी फाइल का प्रिंट लेना है, लेट से ये फाइल है वर्ड की, इसका आपने प्रिंट लेना है, तो बच्चे आप ऐसा तो नहीं कि प्रिंटर को डायरेक्ट कमांड दे लोगे आप। अब ये क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप प्रिंट की कमांड देंगे। ठीक है, यहाँ से ये प्रिंट की कमांड देंगे, ये कमांड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, यानी आपकी विंडोज़ के पास जाएगी, और फिर विंडोज़ से ये कमांड, ये रिक्वेस्ट आपके प्रिंटर के पास जाएगी। यानी आप अपने जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ आपने जब इंटरेक्ट करना होता है तो उनके साथ आप किसके ज़रिए इंटरेक्ट करते हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, अपनी विंडोज़ के साथ, विंडोज़ के थ्रू। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स इज़ द विंडोज़। डेफिनेटली विंडोज़ के अलावा भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लेकिन मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है डैट इज़ विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये डिज़ाइन किया हुआ है, डिफरेंट इसके वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आजकल जो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं विंडो 8 है, 10 है। ठीक है, द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जी बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक तो ये डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है, देन फिर इसके कुछ टास्क हैं जो अभी हमने कुछ डिस्कस भी किए। आप ये समझ लें कि आपकी जो विंडो है ना, आपके कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं तमाम ऑपरेशन को मैनेज करना इस विंडो का काम, इसके इल्म में होता है। कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे ना वो इसके नॉलेज में होगा। आप कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे तो विंडो को पता होगा, विंडो उसको नोट करेगी अपने पास कि इस दिन इतने बज के इतने मिनट पे ये फोल्डर क्रिएट हुआ, फलां ड्राइव में क्रिएट हुआ। ठीक है, आप कुछ डिलीट करते हो तो उसको कौन डिलीट करवाता है, विंडोज़। आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो उसको कौन रन करवाता है, विंडोज़। उसको लोड कौन करवाता है, विंडोज़। तो फर्स्ट टास्क देखें, इट लोड्स, इट मीन विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी। अभी हमने बात की कि किसी भी प्रोग्राम के रन होने के लिए उसका कहाँ लोड होना ज़रूरी है, उस प्रोग्राम का मेमोरी में, रैम में लोड होना ज़रूरी है। मैंने एग्जांपल आपको दी बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी क्लास के रन होने के लिए उसका क्लासरूम में आना ज़रूरी है, बिकॉज क्लासरूम इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ टीचर। टीचर बाहर जाके नहीं पढ़ाएगा बच्चों, जो बच्चा क्लासरूम में आएगा उसको पढ़ाएगा। इसी तरह प्रोसेसर मेमोरी में जाके उसको रन नहीं करेगा, हार्ड डिस्क में जाके वो एप्लीकेशन, वो सॉन्ग आपका मेमोरी में तशरीफ लाएगा, आएगा, बिकॉज मेमोरी, दिस रैम इज़ वर्किंग एरिया ऑफ सीपीयू, तो देन उस पर सीपीयू काम करेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसको रैम में लोड कौन करेगा, वो भी हमने बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम, और उनको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब उसको सीपीयू लेके देना। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जी, आपकी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क है और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन तमाम डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजस फाइल्स एंड फोल्डर्स। जी जनाब, अभी हमने बात की, आप कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे अपने कंप्यूटर में उसको कौन क्रिएट करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको हार्ड डिस्क में कौन स्टोर करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा उसको भी। और फोल्डर आप कोई क्रिएट करते हैं, जितने भी फोल्डर्स आप क्रिएट करते हैं, इन फोल्डर्स को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इट अलाउज टू क्रिएट पासवर्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। जी, ये जो आप पासवर्ड अप्लाई कर लेते हैं अपने अपने डेस्कटॉप पे, तो ये पासवर्ड अप्लाई करने की फैसिलिटी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा है, आपकी विंडो ही प्रोवाइड कर रही है। और ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र, जो अथराइज नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो आपके कंप्यूटर को यूज़ ना कर सके। इट डिटेक्ट्स, लास्ट जो टास्क है, इट डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलवर्स। कोई भी आपका हार्डवेयर कंपोनेंट अगर फेल हो जाता है तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम।
एंड उसको डिटेक्ट करने के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, डिस्प्लेज मैसेजेस टू फिक्स देम। तो फिर आपको कुछ मैसेजेस देगा जिससे आपकी हेल्प होगी और आप उस हेल्प की बेस पे, उन मैसेजेस की बेस पे आप अपने उस हार्डवेयर फेलवर को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो फिक्सेबल है तो। तो ये बच्चे हमारे पास 6 टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, दोबारा मैं रीड कर देता हूँ। इट लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को लोड करना मेमोरी में और उसको एग्जीक्यूट करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। आपके इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना, पासवर्ड्स को क्रिएट करवाना और आपके किसी भी हार्डवेयर फेलवर को डिटेक्ट करना और उसके बाद आपके लिए मैसेजेस को डिस्प्ले करवाना ताकि आप उस हार्डवेयर फेलवर को फिक्स कर सकें। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी टाइप है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, मैनेजर भी हम इसको कहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेजर, जो मैनेज करेगा आपके कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज, तमाम ऑपरेशंस को। और इसको हम इंटरफेस भी कहेंगे जिसके जरिए हम अपने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेंगे। और नॉन टेक्निकली हम इसको क्या कहते हैं? विंडोज। तो विंडो इंस्टॉल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते जी अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब सेकेंड जो आपकी टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, डेट इज डिवाइस ड्राइवर्स। वेरी सिंपल, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना आपके पास, हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, इन तमाम डिवाइसेस की फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं डैट इज़ कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर मीन उसको चलाने वाला। इट मीन्स कि माउस का भी डिवाइस ड्राइवर होता है जो इंस्टॉल्ड होता है आपकी विंडोज़ के साथ, आपके कीबोर्ड का भी डिवाइस ड्राइवर होता है, आपके माइक्रोफोन का, आपके प्रिंटर का, हर हार्डवेयर डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर ज़रूर होता है जो इंस्टॉल आपको करना पड़ता है। कुछ डिवाइस ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, डैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस। When user attach a device such as printer or scanner to their computer, they should install its driver. यानी आप जब कोई हार्डवेयर डिवाइस अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे तो उस हार्डवेयर डिवाइस को अटैच करना काफ़ी नहीं है अब आपके लिए, उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, वो नेट से भी इंस्टॉल हो जाता है, साथ सीडी भी मिलती है आपको, टू मेक इट ऑपरेशनल। अदरवाइज अगर आप सिर्फ हार्डवेयर को अटैच कर लेंगे, प्रिंटर अटैच कर लिया और उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। डिवाइस कंपनीज जो होती हैं वो आपको जो डिवाइस को मैन्युफैक्चर करती हैं वो हार्डवेयर डिवाइस के साथ ही आपको सीडी की फॉर्म में, डीवीडी की फॉर्म में उस डिवाइस का ड्राइवर प्रोवाइड कर देती है। तो ये बच्चे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली आज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। ये आपने, ये वाला टॉपिक डेफिनेटली अब आपने नोटबुक पे लिखना है, ठीक है, इसको प्रिपेयर भी करना है। अच्छा, इसके बाद हम फर्दर जो टाइप्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे थोड़ा सा इसमें, क्योंकि डिटेल हमें ऐड करना पड़ेगी। मैं फ़िलहाल आपको आज के लेक्चर में साथ ही ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल टॉपिक है, थोड़ा लेस टाइम में ये कवर हो जाएगा जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की वर्किंग के लिए तो ज़रूरी नहीं होते, ऑप्शनल होते हैं, इंस्टॉल ना भी करें तो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहेंगे। तो ये फिर किस लिए होती हैं? ये सॉफ्टवेयर आपके डिफरेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। एप्लीकेशन मीन जॉब्स। ऑप्शनल इसलिए हैं कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप इनको इंस्टॉल कर लें, अगर आपको ज़रूरत नहीं तो इंस्टॉल ना करें। जैसे देखें विंडोज़ जो है ना वो ऑप्शनल नहीं है, चॉइस पे नहीं है, वो आपको भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मुझे भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कोई यूज़र ऐसा नहीं है जो उसको इंस्टॉल ना करे, सबकी ज़रूरत है, क्योंकि विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सपोज डैट गेमिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
अब आपको गेम प्ले करना है वो पबजी लेट से, तो आप इंस्टॉल कर लें, मुझे प्ले नहीं करनी तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है खाम खा उसको इंस्टॉल करने की, मैंने पबजी इंस्टॉल नहीं की हूँ, उसके बगैर भी मेरा सारा काम हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर वो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनकी आपको अगर ज़रूरत है तो आप इंस्टॉल करेंगे, यूज़र टू यूज़र वेरी करते हैं, किसी यूज़र के लिए ज़रूरी है किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हर यूज़र की ज़रूरत है, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो दीज आर ऑप्शनल। अच्छा, अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर यूज़र्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे गेम प्ले करना आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, इट इज़ योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हम कहते हैं किसी भी टास्क को जो आपने परफॉर्म करना है, डेट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम, सच एज प्रिपेयरिंग अ लेटर, आपने एक लेटर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन और मैनेजिंग अ डेटाबेस, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या कोई डेटाबेस मैनेज करनी है, डेटाबेस मीन कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना है। कॉमनली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जिसके ज़रिए आप डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शंस करते हैं, कुछ किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, लेटर प्रोड्यूस करना, सैलरी शीट प्रोड्यूस करना, आपके पास नोट्स प्रोड्यूस करना। बिजनेस सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिजनेस, जिनको बिजनेस मैन अपने डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती हैं, जिनमें गेमिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, मीडिया प्लेयर्स आ जाते हैं। एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स, जी ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स के की स्किल्स उनको घर बैठ के लर्न कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को खुद से पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये कंप्यूटर साइंस, इनके एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहा जाता है, जिस पे मैं भी साथ साथ काम कर रहा होता हूँ, टाइपिंग कर रहा होता हूँ, तो टाइपिंग के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है, ये इंशाल्लाह आप थर्ड चैप्टर में इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्प्रेडशीट, ये सिंपली आपका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है जिसमें आप डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कॉलेज की डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, यानी डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दीज सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, आप कोई भी एज इंडिविजुअल, कोई भी यूज़र इनको यूज़ कर सकते हैं, टू स्पीड अप देयर डेली रूटीन टास्क, अपने डेली रूटीन टास्क को स्पीड अप करने के लिए, बाय डूइंग देयर वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट वे, और इसके ज़रिए आप अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में और एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड इज बिजनेस सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर डैट हेल्प्स इन रनिंग बिजनेस इन अ मोर एफिशिएंट वे टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस सॉफ्टवेयर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज बिजनेस सॉफ्टवेयर आर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सेल्स एंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि वो आपकी इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री में कितने आइटम्स मौजूद हैं, कितने कौन सा आइटम शॉर्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पेरोल सॉफ्टवेयर, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, यहाँ से आप एक दो टाइप्स बस देख लें, अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इनफ है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप टू एंटरटेन पीपल इज नोन एज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, आपको एंटरटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं दोज आर कॉल्ड बेसिकली एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। इनमें कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जी, वीडियो गेम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। मैनी गेम्स आर लॉट ऑफ फन टू प्ले बट समटाइम्स दे कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव स्किल्स सच एज टाइपिंग आर रीडिंग। तो अमूमी तौर पर तो गेम्स हम प्ले करते हैं फन के लिए, लेकिन बाज़ गेम्स के थ्रू आप अपनी टाइपिंग और रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। द टर्म एजुटेनमेंट मर्ज गेम्स एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंटू सिंगल सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें गेम्स भी हों और गेम्स के जरिए आपको एजुकेट किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड एजुटेनमेंट। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर है। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज मेनली फॉर एंटरटेनमेंट बट इट एजुकेट्स एज वेल, आपको एंटरटेन करेगा और एंटरटेन के साथ साथ आपकी एजुकेशन, आपको एजुकेट भी करेगा।
एजुकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर प्योर एजुकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर एजुकेशन एजुकेशनल पर्पज इज नोन एज एजुकेशन सॉफ्टवेयर. अ लार्ज वेराइटी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड. मार्केट में बहुत सारे एजुकेशन सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं. एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टाइपिंग ट्यूटर, स्पेलिंग ट्यूटर, लैंग्वेज लर्निंग, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, ड्राइविंग टेस्ट, फ्लाइट सिमुलेशन. इवन दो जब भी कोई पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसको डायरेक्ट एक्चुअल एयरक्राफ्ट नहीं दिया जाता. डेफिनेटली हादसे का चांस होता है, तो उसको एक फ्लाइट सिमुलेशन में बिठाया जाता है. फ्लाइट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें बैठने के बाद उसको बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे वो रियल एयरक्राफ्ट में बैठे हैं. ठीक है, तो फ्लाइट सिमुलेटर में, फ्लाइट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में उसकी जो स्किल्स हैं फ्लाई करने की स्किल्स, उनको टेस्ट किया जाता है. देन फिर उसके बाद उसको रियल एयरक्राफ्ट दिया जाता है. तो दीज आर कॉल्ड एजुकेशन सॉफ्टवेयर. होप सो ये जो टाइप्स हैं हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एरिया हमने कवर कर लिया. इस कंप्लीट एरिया को लिखें आप ठीक है. यहाँ से हमारे पास दो टाइप्स रह गई हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स. इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास ये कंप्लीट टॉपिक 1.5 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर भी बात करेंगे. जो टाइप है ना आपके पास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, तो ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक सॉफ्टवेयर का हमारे पास एरिया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, थर्सडे के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. देन फिर इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर को फिर हम स्टार्ट से देखेंगे. कुछ टॉपिक्स जो हैं हमारे स्टार्ट में, कुछ मिड में, और होप सो नेक्स्ट वीक में के दो लेक्चर्स में, मंडे, एक तो ये आज मंडे का लेक्चर जो हो रहा है थर्सडे को, और फिर नेक्स्ट वीक का मंडे थर्सडे लगा के हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह एट एनी कॉस्ट कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो आपने अब ये सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट टॉपिक है इसको साथ साथ लिखना शुरू कर देना. ठीक है, और कोई क्यूरी हो आपकी तो ये जो वीडियोज़ हैं मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो वहाँ पे आप कमेंट्स में कोई पूछना चाहें आप वेलकम, वहाँ पे पूछ लें. इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे अगर कुछ पूछना चाहें तो वहाँ पे पूछें. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़.